हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्ट्रीट पॉइंट। आज हम काफी सिंपल रखने वाले वीडियो को, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिज फ्लोट स्लाइड और विड्रॉल का ऑप्शन, किस तरीके से आपको ऑप्ट करना है, इनका परफेक्ट मीनिंग क्या होता है। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि मॉक सीट एलोकेशन आने के बाद क्या क्या चीजों को आपको अवॉइड करना और किस किस चीजों को आपको पॉजिटिव वे में लेना है, बिकॉज यहाँ से भी स्टूडेंट काफी मेजर मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण उनको रिग्रेट होता है। तो ये चीजों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जोसा की प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी गई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आपको कुछ ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो कि काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, बिकॉज वैसे कंटेंट आपको जनरली यूट्यूब पे देखने को मिलते नहीं है। तो डेफिनेटली जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो फ्रिज फ्लोट और स्लाइड विड्रॉल का ऑप्शन है, वो आपको फर्स्ट राउंड के एंड होने के बाद और सिक्स राउंड के शुरू होने से पहले तक दिखेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको फर्स्ट राउंड के स्टार्टिंग में नहीं दिखेंगे और सिक्स राउंड में ये ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो भी आपको ऑप्ट करना होगा, इन्हीं राउंड के बीच इन ऑप्शंस का यूज करना होगा। अब इन ऑप्शंस को थोड़ा एक्सप्लेन वे में हम जान लेते हैं। देखो, फ्रिज का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपको इंस्टीट्यूट मिला है और ब्रांच मिला है उसके साथ आप टोटली सेटिस्फाइड हो तो आप फ्रिज का ऑप्शन ऑप्ट कर लोगे। एक बार आपने फ्रिज का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो आप काउंसलिंग से निकल जाओगे वो सीट और वो ब्रांच लेके। ठीक है, आप अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल लोगे, फीस सबमिट करोगे, अलॉटमेंट लेटर निकाल लोगे, फिर आपको डायरेक्टली वेट करना है कि कब सिक्स्थ राउंड खत्म हो और हम फिजिकली जाके अपने इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एक बार आप जब फ्रिज का ऑप्शन ऑप्ट कर देते हो तो केवल और केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है विड्रॉल का, उसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे फर्दर राउंड में। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के फ्रिज का ऑप्शन ऑप्ट करना। अगर आपको पूरा आप एग्री कर रहे हो कि नहीं, मुझे वही कॉलेज और वही ब्रांच चाहिए, तभी आप फ्रिज का ऑप्शन ऑप्ट करोगे। दूसरा ऑप्शन आता है स्लाइड का। स्लाइड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप अपने इंस्टीट्यूट के साथ सेटिस्फाइड हो लेकिन जो ब्रांच मिला है उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हो। आप अपर प्रेफरेंस के ब्रांच पे जाना चाह रहे हो लेकिन इंस्टीट्यूट को चेंज नहीं करना चाह रहे हो। लेट करो, मैंने 25th नंबर का च्वाइस मे को मिल गया। ठीक है, अब उसके आगे बहुत सारे कॉलेजेस हैं लेकिन उसमें से मे को बस वही कॉलेज चाहिए जो मुझे 25th नंबर के कॉलेज मिला है। ठीक है, एक्स कॉलेज मिला है तो मुझे एक्स ही कॉलेज चाहिए लेकिन उसमें ब्रांच अपर प्रेफरेंस का चाहिए, तब हम स्लाइड का ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। और फ्लोट का सिंपल सा मतलब रहता है कि 25th नंबर का मुझे चॉइस मिला तो ऊपर के चॉइसेस मुझे चाहिए, कोई भी कॉलेज में हो, कोई भी ब्रांच हो, लेकिन ऊपर के जो चॉइसेस चाहिए वही मुझे चॉइसेस चाहिए, तो मैं फ्लोट का ऑप्शन ऑप्ट करूंगा। इसमें आपका इंस्टीट्यूट भी चेंज हो सकता है और ब्रांच भी चेंज हो सकता है, दोनों चेंज हो सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑप्शन में आपको 25th नंबर का जैसे मेरे को कॉलेज मिल गया तो नीचे के जितने भी प्रेफरेंस थे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, उनसे अब मुझे कोई लेना देना नहीं रहेगा। आगे के राउंड में या तो मेरा वही कॉलेज रह जाएगा। एक बात का और डाउट आता है कि क्या हम ये ऑप्शन को ऑप्ट कर दे तो वो कॉलेज चला जाएगा हमारे से, वो तब तक आपके हाथ में रहेगा जब तक आपको अपर प्रेफरेंस नहीं मिलता है। जैसे आपको अपर प्रेफरेंस मिला किसी भी राउंड में तो वो कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा, फिर अपर प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाएगा तो उस कॉलेज पे आप क्लेम नहीं कर सकते जो आपको पहले मिला था, प्रीवियस राउंड में मिला था। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है लास्ट राउंड तक तो आपका वो कॉलेज एज इट इज बना रहेगा, वो कॉलेज आपके हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो इसलिए नीचे के चॉइसेस आपके घट जाएंगे, अब आपके ऊपर के चॉइसेस ही काउंसलिंग चेक करता रहेगा। मतलब ये ब्लॉक लग गया, अब यहां से यहां तक वाले 21 से लेकर 25th तक के अंदर ही कॉलेज आपके चेक होते रहेंगे कि आपको उसमें कोई सुटेबल कॉलेज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ध्यान से चॉइस फिलिंग किया जाता है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस हम ना भर दे बीच में ताकि हमको रिग्रेट हो और वो कॉलेज पे आके काउंसलिंग अटक जाए। इसी के लिए हमने प्रेफरेंस बनाया हुआ। डेफिनेटली जाके आप एक बार ऐप से क्रॉस चेक कर लेना जो आपने प्रेफरेंसेस शॉर्टलिस्ट किए हुए अपने चॉइस फिलिंग में भरा हुआ, क्या आपने कुछ बीच में ऐसा कॉलेज तो नहीं भर दिया जो आपको नीचे भरना चाहिए था। तो एक बार आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके वहां पे चॉइस प्रेफरेंस का पीडीएफ बना हुआ वहां से चेक कर सकते हो। वहां पे नए ब्रांच और पुराने ब्रांच दोनों को कंबाइन करके बनाया गया और बहुत सुटेबल प्रेफरेंस रखा गया है शॉर्टेज वे में। तो डेफिनेटली जाके ऐप को ट्राई करोगे, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लोगे डेफिनेटली, क्योंकि एक बार फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया उसके बाद आपको ना ही चेक करने का मौका मिलेगा ना ही एडिट करने का मौका मिलेगा, बस आपको जो कॉलेज मिलता जाए फर्दर आप प्रोसेस करते जाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार डेफिनेटली जाके चेक कर लेना। अब यहाँ से ये चीजें भी क्लियर कर दूं मैं कि फ्लोट से आप स्लाइड पे जा सकते हो और फ्रिज पे जा सकते हो, और स्लाइड से आप फ्रिज पे जा सकते हो, बाकी आप कोई भी ऑप्शंस को रिवर्स में नहीं जा सकते हो। यहाँ पे क्लियर ब्राउज़र में आपको ये मेंशन किया हुआ है तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे। अब यार आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, मॉक सीट एलोकेशन का मतलब क्या है। अगर हमें इसे सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब यही होता है कि एक रफ प्रिडिक्शन करके आपको बताना कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिचुएशन। अब इसका कहने का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं
और उन्होंने क्या क्या चॉइसेस भरे उसके अकॉर्डिंग ये एक एजम्पशन आपको बताता है, ये एक इंडिकेशन देता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में, इस तरीके से इंडिकेशन देता है। तो क्या ये 100% राइट होता? नहीं, 100% आप नहीं कह सकते ये राइट होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको वही कॉलेज मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी चांस होता है कि आपको वो कॉलेज ना मिल पाए, उससे ऊपर के कॉलेज मिल जाए या उससे नीचे का कॉलेज मिल जाए। इसका रीजन क्या होता है कि बहुत लोग क्या होगा, सीट एलोकेशन आने के बाद अपने चॉइसेस को रीअरेंज करेंगे, एडिट करेंगे, या फिर जिन्होंने कम चॉइसेस भरे हैं वो अपने चॉइसेस को बढ़ाएंगे। अगर उन्हें लगेगा कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो बढ़ाएंगे वो चॉइसेस को। तो यहां से क्या होगा कि आपको चेंजेस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हड़बड़ा के अपने चॉइसेस में इधर उधर करना शुरू कर दो, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रेफरेंस दिया हुआ है, ऐप पे आप जाके देख सकते हो, एक परफेक्ट सॉर्टेड वे में प्रेफरेंस दिया हुआ नए ब्रांच और पुराने ब्रांच को मिला के। तो वहां से जाके एक बार आप क्रॉस चेक कर लो कि जो जो चॉइसेस जो जो ब्रांचेज मुझे चाहिए थे क्या मैंने सारे ब्रांचेज और सारे कॉलेजेस भरे हैं। अगर नहीं भरे हैं तो उन्हें पहले भर लो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो उन्हें पहले सही वे से कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास चांस है। एक बार फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ उसके बाद आपको कोई भी सुधार करने का चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आपने ये भर लिया उसके बाद जैसे ही फर्स्ट राउंड का फर्स्ट मॉक एलोकेशन का रिजल्ट आएगा तो आपको बस ये देखना है कि जो आपको कॉलेज मिल रहा है उसके नीचे के जो कॉलेजेस हैं उसमें कोई ऐसा कॉलेज तो नहीं है जिसको हमें इस प्रेफरेंस से ऊपर भरना चाहिए था जो हमें कॉलेज मिला है और उसको मैंने नीचे भर दिया है। बिकॉज द थिंग इज दैट कि एक बार आपको जो कॉलेज मिल जाता है उसके नीचे के कॉलेजेस अगले राउंड से काउंट नहीं होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि नीचे के कॉलेजेस को एक बार चेक कर लो कि हमने सही प्रेफरेंस पे सारे कॉलेजेस भरे के लिए, मैंने कुछ ऐसा कॉलेज भर दिया है जो कि हमें चाहिए था इसके ऊपर लेकिन हमने इसके नीचे भर दिया, तो उसको ऊपर उठा के आप रख दोगे। दूसरी बात ये, आप इसके प्लस में भी चेक करोगे, कुछ ऐसे कॉलेजेस तो हमने नहीं भर दिए हैं, जो कॉलेज हमें नहीं चाहिए था उसे हमने भर दिया है वहां पे, ठीक है। तो ऊपर के भी प्रेफरेंस को आप एज इट इज चेक कर लोगे कि हमने करेक्ट भरा या नहीं भरा। ज्यादा आप इधर उधर नहीं करोगे, कि आपको अगर लगता है कि करने की जरूरत है तभी करोगे। हड़बड़ा के मुझे सीट नहीं मिल पा रहा है, डिजायर कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप हड़बड़ा के कोई गलती नहीं कर दोगे। बिकॉज मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा है, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको कहां पे स्पाइक देखने को मिलता है। आपको सिक्स्थ राउंड में बहुत अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा, आपको फर्स्ट राउंड के बाद अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली वो वीडियो को जाके देखना है, वहां से आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए और ऐसा मिस्टेक कर दिए कि आपको अभी तो चांस मिल रहा है एडिट करने का लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद आपको वो भी चांस नहीं मिलेगा। फिर आप पछताते रह जाओगे, क्यों मैंने अपने चॉइस को एडिट किया, क्यों मैंने हड़बड़ा के कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो अभी जाके बहुत अच्छे तरीके से मैच कर लो। आपने एक बार परफेक्ट वे से चॉइस फिल कर दिया तो आपको जो भी मैक्सिमम चांस होगा कॉलेज मिलने का वो डेफिनेटली मिलके रहेगा। दूसरी बात ये कि कितने नंबर ऑफ चॉइसेस भर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं होता काउंसलिंग को, इससे कोई मतलब नहीं होता सिस्टम को। वो आपका टॉप टू बॉटम चेक करते हुए चलता है, टॉप से प्रेफरेंस लेते हुए चलता है। जो भी कॉलेज आपको सुटेबल आपके रैंक पे एडजस्ट कर रहा होता है टॉप से वो कॉलेज आपको मिल जाता है। तो अगर आपने एक परफेक्ट सीक्वेंस में सारे कॉलेजेस भरे हैं तो आपको इस चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि आपने 50 चॉइसेस भरे हैं या फिर 500 चॉइसेस भरे हैं, ठीक है। इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है काउंसलिंग को। काउंसलिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके अपर प्रेफरेंस से वो चेक करते हुए चलता है और जो भी टॉप प्रेफरेंस से सबसे सुटेबल कॉलेज होता है आपके रैंक पे वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाता है। और जैसे ही वो कॉलेज अलॉट होगा उसके नीचे के सारे चॉइसेस वहां से खत्म कर दिए जाते हैं, अब आपको उससे ऊपर के चॉइसेस ही मिलेंगे। तो आप ये सारे मिथ जो माइंड में होते हैं कि कम चॉइसेस भरेंगे तो टॉप कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपको जितना लगे, जो कॉलेज लगे कि आपको भरना चाहिए वो डेफिनेटली आप भरोगे। कुछ आधे ऐसे भी ऑप्शन लेके चलोगे जो आपके सेफ साइड ऑप्शन हो, ठीक। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सारे कंटेंट आने वाले, थ्रू आउट द काउंसलिंग भी हम सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।